नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ इज अ गिफ्ट में। आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की सत्य घटना पर आधारित एक कहानी के बारे में। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में मेडिटेट कर रहे थे, तभी अचानक एक व्यक्ति उनके पास आया जो बहुत परेशान और दुखी लग रहा था। उस व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, स्वामी जी मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितना भी मेहनत कर लूँ, कितने भी परिश्रम कर लूँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो पाता, कृपया मेरी मदद करिए स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ठीक है तुम एक काम करो, मेरे इस कुत्ते को सैर पे लेके जाओ, तब तक मैं तुम्हारे इस परेशानी का हल ढूंढता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है स्वामी जी, और वह व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के कुत्ते को लेकर बाहर सैर पे निकल पड़ा। और कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के पास वापस आया। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, यह कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है, ऐसा क्या हुआ कि ये कुत्ता इतना हाफ रहा है, इतना थका हुआ लग रहा है। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी जैसा आपने कहा मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, परंतु ये कुत्ता इधर उधर घूमने लगा, इधर उधर भागने लगा, जहाँ पर भी कुछ भी दिखता वही वो कुत्ता दौड़ पड़ता, इसी कारण ये इतना थका हुआ लग रहा है। स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और कहा, यही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, तुम्हारे सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपने मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो, इसी कारण तुम्हें सफलता नहीं प्राप्त होती। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया था कि अगर हमें सफल होना है तो हमें अपनी मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो करना है, जो कुछ भी बनना है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, दूसरों को देखकर वैसा ही करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपने सफलता के मंजिल पर पास होकर भी दूर हो जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लाइफ इज़ अ गिफ्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।